अगर बच्चे करते हैं जरूरत से ज्यादा गुस्साबाजी तो अपना ये उपाय मिलेगी तत्काल मुक्ति। गुमला के अंजन धाम को हनुमान जी का जन्मस्थली माना जाता है। जिला मुख्यालय से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा गांव स्थित है और यह गांव का नाम हनुमान जी की माँ अंजनी के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस गांव को अंजन के नाम से जाना जाता है। अंजन गाँव से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर चारों ओर हरे भरे पौधे, जंगल व प्रकृति की हसीन वादियों एवं ऊंची पहाड़ियों के बीच गुफा में माँ अंजनी के गोद में हनुमान जी अपने बाल स्वरूप में विराजमान है, जो काफ़ी अनोखा, अद्भुत व मनमोहक प्रतिमा है। मान्यता है कि माँ अंजनी यहीं रहा करती थी। हनुमान जी का जन्म यहीं हुआ था। यहाँ 365 शिवलिंग, 365 तालाब, 365 महुआ का पेड़ हुआ करता था। उनमें से कुछ विलुप्त हो गई है और अभी भी कुछ साक्ष्य के रूप में मौजूद है। माँ अंजनी कुंदरीवाड़ा में स्नान करती थी, उसके बाद प्रत्येक दिन अलग अलग तालाब से पानी लेकर महुआ के अलग अलग पेड़ से फूल तोड़कर अलग अलग शिवलिंग की पूजा करती थी। अगर बच्चे छोटे छोटे बातों में जिद्दी व अधिक गुस्सा करने लगे तो जाने क्या उपाय अपनाएं। अंजन धाम के पुजारी केदारनाथ पांडे जी से विस्तृत जानकारी उन्हीं की जुबानी। हनुमान जी का जन्म स्थल अंजन धाम या हनुमान जी का जन्म स्थल है और यहाँ की मान्यता है कि हनुमान जी को यहाँ विशेष कर पूजा जाता है। हनुमान जी को पूजने का बहुत उपाय है, जैसे किसी बच्चे को अगर नजर लग गया है तो उन्हें चढ़ा हुआ सिंदूर का अगर आप टीका लगा देते हैं तो नजर निकल जाता है। उसी तरह बाएं पैर में अगर सिंदूर लगा के उन चढ़ाने से और उस सिंदूर चढ़ा के उनको बच्चों को लगाने से वो थोड़ा सा तेज तर्राक होते हैं और उनमें एक तरह का स्फूर्ति जगता है। किसी बच्चे को बहुत गुस्सा आता है, चाहे किसी बच्चे को बहुत गुस्सा आता है तो विशेषकर उनको शनिवार या मंगलवार के दिन आए और पैर में जो सिंदूर चढ़ा हुआ आता है वो सिंदूर को उनको टीका लगाएं और अक्सर तो वो जो बच्चा है तो उसका गुस्सा शांत हो जाता है, गुस्से स्वभाव खत्म हो जाते हैं। एक शनिवार या मंगलवार के ही दिन किया जा सकता है। स्पेशली बाएं पैर का सिंदूर ही पैर का सिंदूर लगाया जाता है।